सोलाना के निर्भया मामले में पीड़ित परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है। पुलिस जहां नाबालिग को गिरफ्तार कर मामले की गुत्थी सुलझा लेने का दावा कर रही है, तो वहीं आरोपी का परिवार पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगा रहा है उससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। और इन सबके बीच अब मामले की सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। हिसार के उकलाना में मासूम के साथ हुई दरिंदगी का मामला उलझता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इसी नाबालिग आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया है। इस बीच खबर है कि पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपी ने ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। देखिए, पुलिस की जांच अभी चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम लीगली कोई भी इस केस की डिटेल्स जो है मीडिया में या पब्लिक में शेयर नहीं कर पाए। पुलिस ने जो आरोपी उसको रिमांड पर लिया था, जो भी साक्ष्य थे क्या वो मिल पाए रिमांड के दौरान? देखिए, रिमांड के दौरान हमने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं और अब आगे की जो थ्योरी है उसको फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम मैच करवा रहे हैं। हम जो भी हमारे एग्जिबिट्स वगैरह हैं एफएसएल लैब में हम जांच के लिए भेजेंगे। जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके पुलिस ने बताया था कि 19 साल का जब रिमांड लिया गया लेकिन वो नाबालिग बताया गया, इस बारे में पुलिस का? देखिए, परिवार ने जो उसका एज सर्टिफिकेट जो भी हमें प्रस्तुत किया है उसके आधार पे उसकी एज जो है उस हिसाब से वो माइनर साबित हुआ है, तो उसे अकॉर्डिंगली हमने जेजे बोर्ड के सामने पेश किया है और उसे ऑब्जर्वेशन में भेजा। इसी बीच गुड़िया न्याय संघर्ष समिति की हिसार की एसपी मनीषा चौधरी के साथ उकलाना के विश्राम घर में करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत के बाद समिति ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक समिति मामले की सीबीआई जांच और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की मांग पर अड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। गुड़िया प्रकरण में अब तक की जो जांच हुई है की अपडेट है, हमने संघर्ष समिति को आज अपडेट दी है उसके बारे में जानकारी। वो चाहते थे कि जांच जो है वो किस तरीके से चल रही है और पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है या नहीं, तो इस बारे में समिति को अवगत कराया है। आधिकारिक पुष्टि कब तक कर देंगे आप सारे मामले? देखिए, केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था जब तक हम चालान फाइल नहीं कर देते कन्फर्मेशन हम किसी भी बात की नहीं दे पाएंगे। वहीं गुड़िया न्याय संघर्ष समिति का साफ तौर पर कहना है कि गुड़िया को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और मामले की सारी हकीकत सामने आनी चाहिए। आज सुबह जब प्रशासन की तरफ से ये बात आई कि संघर्ष समिति से पुलिस प्रशासन जो वो मिलना चाहता है और उसके तहत एसपी साहिबा अपने एसआईटी के साथियों के साथ हाजिर पहुंची और संघर्ष समिति के साथियों ने भी जैसे वादा किया था कि हम हर सतर पे सहयोग करेंगे, उनसे जनता के मन में जितने भी सवाल थे कि क्या अपराधी एक है या किसी ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और किसी ने भी इसका सहयोग दिया है या जो भी मांगे प्रशासन से, हमारी उस लाडली बिटिया को के शव को दफनाने के वक्त प्रशासन द्वारा की गई थी उनकी किस सतर पे सहयोग प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जनता के मन में या मीडिया की तरफ से या खुद संघर्ष समिति की तरफ से जितने भी सवाल थे हमने वो एसपी साहब और दूसरे स्टाफ के साथियों के सामने रखे। वहीं इस मामले में सीएम खट्टर का कहना है कि कानून आरोपी को जल्द सजा देगा। गुड़िया मामले में पीड़ित के परिवार के साथ साथ अब आरोपी के परिवार को भी इंसाफ का इंतजार है। आरोपी के परिवार का कहना है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस उन्हें जांच की कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। इस मामले में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव से हर कोई हैरान है। हर किसी के दिल में बस एक ही चाहत है कि गुड़िया के दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिले में पढ़ने वाली छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह सूबे में महिलाओं और मासूमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए सरकार को सख्त कानून बनाकर कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। उनको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि इतनी कि अगली बार कोई भी ऐसा कदम करने से पहले एक बार जरूर सोचे और हम आज भी हमारे अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। हम आज भी सेफ नहीं है लड़कियों में क्योंकि जगह जगह पर हम देख रहे हैं किसी के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले लड़की को अपने आप पर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना
कि अगले बंदे को वो जवाब दे सके, ना कि कमजोर होकर। मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि कह दिया चलो छोड़ दो, नहीं, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, वो और बोलेगा। उसी टाइम उसको ऐसा जवाब दो, पहले जब हमको देना होगा, हमने कदम उठाना होगा, तभी हमारे साथ जनता आएगी। सर, हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपए ऐसा सुना है और घर में नौकरी दी है, ऐसा करने से तो बल्कि और भी हत्याएं होगी, जो गरीब लोग हैं वो तो और भी ज्यादा वो करेंगे। तो आप क्या, किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, किस प्रकार का क्या कानून होना चाहिए, क्या कहते हैं? उसे सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कानून लागू किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वही कार्य हरियाणा में भी लागू होना चाहिए। बहरहाल पुलिस मामले में जांच जारी होने की बात कह रही है। वहीं पीड़ित और आरोपी दोनों ही परिवार इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो आम लोग भी चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो, लेकिन ऐसा कब होगा ये कोई नहीं जानता।